हेलो फ्रेंड्स, अमृता किचन में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नई रेसिपी, ये है एग करी। तो इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पे 6 उबले हुए अंडे, 3 टमाटर की हमने यहाँ पे पेस्ट ली है जो हमने बारीक उसको कद्दूकस कर लिया है, 4 छोटे प्याज जो है उसको हमने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है, यहाँ हमने अदरक लहसुन की पेस्ट ली है, यहाँ हमने 1 कटोरी कुकिंग ऑयल लिया है, इसके अलावा हमने 1 तेज़पत्ता, 1 इलायची और 1 दालचीनी, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक छोटी भरी हुई कटोरी हमने दही लिया है, और ये हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। तो आइए देखते हैं इसको बनाने की विधि। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और जो कुकिंग ऑयल लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। हमने इतना ज़्यादा कुकिंग ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि अभी हमें जो हमने बॉयल एग है उसको हमने फ्राई करना है, इस वजह से हमने यहाँ पे 1 भरी की कटोरी ये ऑयल लिया है। ये जो हमारे एग हैं इसको हम फॉक से हम इसमें छेद कर देंगे ताकि इसमें कड़कड़ाने की आवाज़ ना आए और आपको छींटे ना पड़े। आराम से कीजिएगा क्योंकि ये फूट जाएंगे। तो ऐसे इजीली आपको फॉक से या किसी पिन से आप यहाँ पे इजीली इसमें छेद कर दीजिएगा। तो सारे अंडों में इसी तरह से आपको छेद करना है। हमने फोक की मदद से सारे अंडों में ये छेद कर दिए हैं। तेल हमारा जो है वो गर्म हो गया है तो अब हम एक एक करके इसमें अंडा डालेंगे। और इसको हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे, इसको हल्का हल्का ब्राउन होने तक हम सारी तरफ से भून लेंगे। जो एग है उसको हमने हल्का फ्राई कर लिया है। अब हम जो हमारा घी ऑलरेडी गर्म है इसमें हम एक डालेंगे। जो हमारा घी गर्म है अब इसमें हम 1 इलायची डालेंगे, दालचीनी डालेंगे तोड़कर, 1 तेज़पत्ता का तोड़ के डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। ये सारा जो चारों चीज़ें हैं इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। जीरा भुन गया है हमारा, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक। इसको चलाते रहेगा कि लहसुन अदरक जो है चिपक जाता है, तो इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। इसके साथ हम प्याज डाल देंगे, और प्याज के साथ ही हम हरी मिर्च डाल देंगे। इनको हमें 2-3 मिनट अच्छी तरह भूनना है ताकि जब तक हमारा प्याज जो है घी छोड़ देगा। प्याज हमारे भुन गए हैं, प्याज ने घी छोड़ दिया है। अब जो हमारा टमाटर है टमाटर से मिक्स कर देंगे टमाटर की प्यूरी, और अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक इसमें हम 1/2 चम्मच ले रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमने पहले ही इसमें हरी मिर्च डाल दी थी तो इसमें हम लाल मिर्च जो है 1/4 स्पून डाल रहे हैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे हम इसमें, 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गर्म मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और सारे मसालों को अच्छी तरह मिला लेंगे। हम मसाला भूनेंगे। मसाला भूनने के लिए पर इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, हम उसकी जगह दही ऐड करेंगे।
तो दही जो लिया हो तो वो डाल देंगे इसमें। जो हमने दही ऐड किया उसको अच्छी तरह मिला लेंगे। और हमारी जो ग्रेवी बन चुकी है इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे जब तक कि हमारी ग्रेवी जो है वो घी ना छोड़ दे। तो इसको पकने में हमें कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, तो इसको हम धीमी आंच पे ढककर पकाएंगे। हमारा मसाला जो है भुन गया है, तो जो हमने एग लिए थे वो इसमें हम ऐड करेंगे। एग डाल दिए हैं, अब मसाले को अच्छी तरह इसमें मिला लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी और इसको सारे को अच्छी तरह मसाले को मिला लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से तरी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको चावल के साथ खानी है तो आप इसमें तरी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर रोटी के साथ खानी है तो आप इसके अपने टेस्ट के हिसाब से तरी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें 1 गिलास पानी लिया है। अब हम इसमें इसे 5 से 7 मिनट फुल आँच पर पकाएंगे ताकि हमारी तरी जो है अच्छी तरह पक जाए। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी बनके रेडी है। देखो तरी भी हमारी गाढ़ी हो गई है। तो बस अब हम इसे सर्व करेंगे और इसे खाएंगे रोटी के साथ। तो आइए इसको हम अब इसे डिश में सर्व करते हैं। एग करी बनके रेडी है। तो इसे आप, जैसे मैंने बताया था कि रोटी, चावल और परांठों के साथ इसे खा सकते हैं। तो बहुत इजी रेसिपी है, घर के इंग्रेडिएंट से आप इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए हमारा चैनल और बने रहिए अमृता किचन के साथ। थैंक यू दोस्तों।